வசல்லம் मदीने के आका को दिल दे चुका हूँ, नवीदे मसीहा को दिल दे चुका हूँ, मुझे
जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2। ZU 98.2 पयामे जस्तुजू। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZU FM 98.2। सुबह की ताजा खबर, ऑसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZU FM 98.2 पयामे जुस्तजू। लेकिन उससे पहले सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, शायद स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिसेस, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है अटेंडेंस बार करवाने का। सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर से सिस्टम है, आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस बार करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो है आप घुन्नर सुगुनो, बहुत वो खुना पर बता दीजिए, सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके रोजाना, अरे हम कुछ नहीं कहेंगे, सची में हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ वेलकम। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीका है पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे शो में, क्या करेंगे आप, सर्च करेंगे आप ZU FM 98.1 on Facebook and सैयदा फरहाना अली on Facebook as well, दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से लाइक एंड फॉलो कीजिएगा, मजीद आगे जाएंगे आपको इंस्टाग्राम में जाकर सर्च कीजिएगा @RJFarhanaOfficial। तो वहां पर मेरा अकाउंट नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर अपने जल्दी से फॉलो कर लेना है ताकि आपकी जिंदगी बाहर निखार सवार सब कुछ आ जाए। मजीद आगे जाएंगे, नजर आएगा ट्विटर एंड यूट्यूब, सर्च करेंगे @SayyedaFarhanaAli एंड SayyedaFarhanaAli ऑफिशियल, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, नहीं आपको बिल नहीं आएगा, हम आपको गारंटी देते हैं इस बात की, बस आपकी जिंदगी में आएगा निखार बहार सवार
आप लोग सोचेंगे अरे हमारी जिंदगी ऐसे कैसे निखर गई, ऐसे कैसे संवर गई, ये वाला सीन हो जाएगा आप लोग के साथ लिटरली। तो अगर तो आप शहर से बाहर हैं, सुबह से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, बहुत इजीली आप हमारा शो सुन सकते हैं ऑन फेसबुक, ऑन माय ट्यून रेडियो ऐप। और अगर चले जाएंगे जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर तो वहां पर भी आपको हमारा शो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा रेडियो का। सब तो परेशान नहीं हो रहा, वो क्या कहते हैं कि जब हम हैं तो फिर क्या काम है। लेकिन एक छोटी सी शर्त और है, चाहे आप शहर से बाहर हैं, सुबह से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ना ऑफिस से बाहर नहीं होना, क्योंकि हमारे शो में आने के लिए आप में आना पड़ता है। आप में आइए, हमारे शो में आइए, वेलकम करेंगे आपको। क्या ख्याल, ठीक है कि नहीं? सो बातें बहुत सारी हैं आज की, खबरें बताएंगे क्या चल रहा है। वैसे खबरें आप लोगों को पता चली गई होंगी, और जो नया बॉम्ब गिरा है वो भी पता चल गया होगा क्या है भाई, बट फिर भी हम बात करेंगे खबरों की। लेकिन थोड़ी सी देर में वापस आएंगे ट्रैक के बाद, ट्रैक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे आज के टॉपिक्स क्या हैं, राइट, और दुनिया में क्या चल रहा है, नहीं दुनिया का छोड़े पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो ये देख लें पहले। भाई फ्राइडे आ गया, इतनी जल्दी पूरा वीक गुजर गया पता ही नहीं चला, और फिर सैटरडे संडे भी इतनी जल्दी गुजर जाएगा। लिटरली सैटरडे संडे तो ऐसे गुजरता है कि जैसे आया ही नहीं था। और चले जी गाना सुनते हैं, ये वाला वापस जाएंगे, इसके बाद करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना, दिस इज अन है, ये कौन सा गाना, अनबैन, ओके चले भाई ठीक है, दिस इज बाय इम्तिजाज बला। अच्छा चले जी सुनते हैं इस गाने को और वापस आते हैं इसके बाद, स्टे ट्यून्ड। एक बारी हाँ कर दे तेनु डायमंड रिंग दवा दांगा, जे एक बारी हाँ कर दे तेनु पैरिस टूर करा दांगा, जे एक बारी हाँ कर दे मम्मी डैडी नू मिलवा दांगा, जे एक बारी हाँ कर दे पंजाब दी क्वीन बना दांगा, पीछे पीछे रहन मेरे कुड़िया मेरी डोरा तेरे नाल जुड़िया, एक तू ही मेरे लिए अनबन कुड़िए बाकी सारे अन कर दिता भैने, पर तेरे वालों मैनु कोई लिफ्ट नहीं तेरी फैमिली भी होई मेरी भैने, एक तू ही मेरे लिए अनबन कुड़िए बाकी सारे अन कर दिता भैने, पर तेरे वालों मैनु कोई लिफ्ट नहीं तेरी फैमिली भी होई मेरी भैने। दिल ते मेरे दा कोई ना, खुली किताब लो कोई ना, हस दिवस दी रावे दुआ मेरे करके अख तेरी रोई ना, एक बारी मेरे नेड़े आके वेख मेरे मेहर मां तेरे उते मैं जा वारी ओ मेरी दिलबा, तेरे लई कर दा मैं रब तो ए दुआ, कर दवे मेरे ना तेनु रब मेरा हुण सदा, एक तू ही मेरे लई मेरी जान कुड़िए बाकी सारिया नु कर दिता पैणे, एक तू ही मेरा चौदवी दा चन सुनिए बाकी सारिया नु लग गया गैणे, पीछे पीछे रहण मेरे कुड़िया मेरी डोरा तेरे नाल जुड़िया, बाकी सारे आने कर दिता पैरे, पर तेरे वालों मैनू कोई लिफ्ट नहीं तेरी फैमिली भी होई मेरी पैरे, एक तू ही मेरे लिए अनबन कुड़िए बाकी सारे आने कर दिता पैरे, पर तेरे वालों मैनू कोई लिफ्ट नहीं तेरी फैमिली। दिल ते मेरे दा कोई ना, खुल
किताब लुको ना हसदी वसदी रावे दुआ मेरे करके अख तेरी रोई ना एक बारी मेरे नेड़े आके वेख मेरे मेर मां तेरे उते मैं जा वारी ओ मेरे दिलबा तेरे लई करदा मैं रब तो ऐ दुआ कर दवे मेरे ना तेनु रब मेरा हुन सदा एक तू ही मेरे लई मेरी जान कुड़िए बाकी सारे अनु कर दिता पैने एक तू ही मेरा चौधरी दा चन सुनिए बाकी सारे अनु लग गया गैने पीछे पीछे रहन मेरे कुड़िया मेरी डोरा तेरे नाल जुड़िया एक तू ही मेरे लई अन बैन कुड़िए बाकी सारे अनु कर दिता पैने पर तेरे वालों मैनू कोई लिफ्ट नहीं तेरी फैमिली भी होई मेरी फैने एक तू ही मेरे लई अन बैन कुड़िए बाकी सारे अनु कर दिता पैने पर तेरे वालों मैनू कोई लिफ्ट नहीं तेरी फैमिली भी होई मेरी फैने बहुत बोर गया है बिल्कुल भी आप लोगों ने इतने इंटरेस्टिंग आंसर हो सकते हैं लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी ना कोई भी एक अच्छी बात नहीं भाई किसी ने ट्विटर पे फॉलो कर लिया क्या बात है जबरदस्त हो गया इसको कहते हैं भाई फर्मा बरदारी हाँ भी आपको ऐसे नहीं लगे ना कर लिया ना अपने ट्विटर पे फॉलो मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया बाय द वे अच्छा जी नहीं आज के दो टॉपिक्स आपको बता देते हैं क्या है जो पहला टॉपिक है वो ये है और क्या है वो बताती हूँ देखिए आपने कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बताना है कि जिसके बगैर आपका जीना मुश्किल है इंटरेस्टिंग होना चाहिए यू कैन नॉट लिव विदाउट दैट थिंग व्हाटएवर इट इज फोन नहीं होना चाहिए आपका फोन के अलावा जी सकते हैं भाई और इसके अलावा चले एक सवाल आपसे पूछते हैं अगर सारी जिंदगी के लिए कोई एक चीज फ्री मिलती सपोज करें कोई एक चीज सारी जिंदगी के लिए फ्री मिलती तो आप क्या खरीदना मतलब खरीदना नहीं क्या मतलब अवेल करना क्या पसंद करते हैं कौन सी ऐसी चीज को फ्री में सारी जिंदगी के लिए अवेल करते हैं जिसको आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट तो क्या चीज है जो हमेशा के लिए फ्री में लेना चाहते हैं चले जल्दी से बताएं खबरदार किसी ने कहा कि बिरयानी या खबरदार किसी ने कहा पेट्रोल वैसे आधी दुनिया ने यही कहना है पेट्रोल पेट्रोल एंड पेट्रोल बट 210 रुपए का हो गया पेट्रोल माय माय ओके और इसके अलावा
पेट्रोलियम मसनूआत की महंगाई से ना बता हालात बेहतर हो जाएंगे और आवाम के लिए ना आसानी पैदा होगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। इम्कान है कि मुल्क में महंगाई की शरह जो है ना 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएगी और 30% तक पहुंच जाएगी। ये जो इम्कान है इस वजह से क्योंकि पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी, डीजल महंगा और ऑफ कोर्स फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट की किराए में भी जो है इजाफा कर दिया जाएगा और 20% का इजाफा किया जाएगा। राइट, तो कोई एक बात नहीं है, कोई एक चीज नहीं है क्योंकि इन तमाम चीजों का कनेक्शन आपस में ना, तो हर चीज में जब यू नो इंक्रीमेंट हो रही है, चीजों में बढ़ रही है, पैसों की कीमतें बढ़ रही हैं, पैसों की कीमतें क्या होती है, मतलब चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो फिर इनकम में भी इजाफा होना चाहिए ना भाई और नहीं तो क्या भाई, इनकम में इजाफा नहीं होना चाहिए, महंगाई इतनी और सारे लोग उसी इनकम में चल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। इन्फ्लेशन आ गई है मुल्क में लेकिन सैलरीज वहीं की वहीं हैं। इनकम में भी तो इजाफा करना चाहिए, जब महंगाई बतदरीज बढ़ रही है तो भाई इनकम में भी उसी हिसाब से इजाफा होना चाहिए, हर इंसान की सैलरी में इजाफा होना चाहिए। अगर आप 50% महंगाई में इजाफा करें तो 50% आप सैलरी में भी इजाफा करें, फिर होना तो फिर ये चाहिए, क्योंकि जो लोग डेली वेज पर काम करते हैं उनके लिए कितना मुश्किल है सरवाइव करना इस वक्त में, जब इतनी चीजें महंगी हैं, हर चीज महंगी है, यहाँ तक कि बेसिक नीड की चीजें जो खाने की चीजें हैं, जो बेसिक अशिया खुरनोश है, उसके लिए लोगों को इतनी तगादौ करनी पड़ी है, वो इतनी महंगी है कि गरीब आदमी जो एक यू नो जो सिर्फ 1000 रुपए एक दिन में अगर कमाता है तो वो क्या करेगा, फिर उसका घर भी किराएगा है, उसको ट्रांसपोर्ट के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। राइट, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस सिचुएशन फॉर अ पुअर मैन। सो अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर और ये तमाम दुआएं के तमाम हालात जो हैं वो ठीक हो जाए, सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए, महंगाई कम हो जाए, लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा जी, तो चलें जी आपके स्टार्स की बात करेंगे, खबरें बस इतनी काफी आई गेस, और क्योंकि फिर उसके बाद इतनी सारी कंट्रोवर्शियल खबरें हैं और अगर हम बताने बैठे तो फिर पता नहीं क्या होगा मतलब वैसे तो कुछ नहीं होगा, हम पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे, विच इज नॉट गुड। अच्छा जी, बात करते हैं क्वेरियस की, मेरी आवाज मुझे इतनी कम क्यों आ रही है, मैंने कहाँ से आवाज कम कर दी है, आवाज तो यहाँ से सब कुछ ठीक है, फिर आई डोंट नो कि क्यों मुझे आवाज कम आ रही है, बट इट्स ओके। अच्छा जी, हाँ तो बात करते हैं क्वेरियस की, क्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आज दूसरों से मुतासिर हुए बगैर अपने मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार करने में बेहतरीन कामयाबी का हुसूल मुमकिन बनाने का मौका मिल सकेगा, जबकि अपनी नई कारोबारी सरगर्मियों की वजह से दूसरों से आगे निकल सकेंगे, अपने दोस्तों की मदद से अपने आप को कामयाब बना सकेंगे, लेकिन माली हालत से गैर मुतमईन होने के बावजूद आपको जज्बाती नहीं होना चाहिए, शाम में माकूल रकम का हुसूल मुमकिन हो सकेगा, आप चूंकि हर मामले में बहुत ज्यादा मुनहमक हो जाते हैं इसलिए आपको किसी खास मौके की जरूरत भी पेश नहीं आती है, बल्कि जो भी आप काम कर रहे हैं इतना मगन हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता और आपको शायद आपको मामूल से हटकर कुछ करने की जरूरत भी ना पड़े। बात करेंगे पाइसेस की, पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, I don't know what is missing today. Something is missing. I'm feeling bad. अच्छा जी, बात करते हैं पाइसेस की, पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आज अपने आपको मुख्तलिफ अमूर में उलझाने से गुरेज करें और अपने आराम का खास ख्याल रखें, वैसे भी आपके कुछ मेहमानों की आमद मुतवक्के है जबकि दूसरी जानब आप खुद अपने दोस्त अहबाब से मुलाकात का प्रोग्राम बना सकते हैं, आज अपने आपको नाकामी से बचाने और ज्यादा से ज्यादा फवायद का हुसूल मुमकिन बनाने के लिए अपने वक्त का मुनासिब और बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी बनाएं, दूसरों से ख्वाब ख्याल की बातें करके उन्हें मुतासर करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। Oh my God! ये क्या कह दिया इन्होंने? अच्छा पाइसेस वाले, अब ये पाइसेस वाले जो लोग भी हैं भाई हमें क्या पता ये कौन कौन है पाइसेस वाले, पाइसेस वालों के बात करते हैं, एरीज के लोगों के लिए आज का दिन रहेगा कैसा, सो आज किसी नई शराकतदारी और किसी नई शराकती सरगर्मी का आगाज इंतहाई महारत से करने की कोशिश में आप काम में आप हो जाएंगे, जबकि अपने सितारों के असरात से फायदा उठाने के लिए तैयार भी रहना जरूरी होगा, लेकिन एक बात याद रखें कि एक वक्त में सिर्फ एक ही काम सर अंजाम देने की कोशिश करें ताकि कामयाबी आपके कदम चूम सके, और जब कामयाबी आए ना आपके कदम चूमने के लिए तो मेक श्योर कि आपके पांव धुले हुए हों, कामयाबी आके बेहोश ना हो जाए आपके कदमों में। आपकी कारोबारी पेशे वाराना जिंदगी बहुत सी नुमाया तब्दीलियां और रोनुमा हो सकती है, इसके अलावा जाहिर और खुफिया दोस्ती को भी मजबूत बना सकेंगे, खुफिया दोस्तियां कौन सी होती हैं ये, तो इसके अलावा आपकी गुफ्तगू के जरिए दूसरों को आप जो है मुसखर करने की खूबी को बहुत ज्यादा कारगर और मौसर जो है वो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अजीब बात कर दी इन्होंने, चलें जी खैर भाई अजीब है तो अजीब है, सीधी सी बात है। बात करेंगे टॉरस की, टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, कमेंट्स को शामिल करेंगे आपके,
सो आज अपने अल्तबा का शिकार कारोबारी मंसूबों को नए अंदाज से तकमील के मराहल तक पहुंचाने की कोशिशों का आगाज आप कर सकते हैं कि जिससे आपको बहुत सी रकम का हुसूल मुमकिन हो सकता है और मुआशरे में अपनी समाजी हैसियत को बेहतर बना सकेंगे। आपके इन अमली इकदाम के नतज बहुत जल्द आपके सामने भी आ जाएंगे और आज आपके पास अपने मुख्तलिफ अमूर को अंजाम देने की ना सिर्फ अहलियत मौजूद होगी बल्कि उसमें सलाहियत भी पोशीदा होंगी ऐसी कि जिन्हें हसब ख्वाहिश मुतहरिक करके आप काम में आ भी हासिल कर सकते हैं। На руки мои ты надела кандалы, где пропадают и ночью гадала. А я друзьями сгораю до тала, бокала подходит, похоже, с ума. Сумма в карманах у нас немала, малая смотрит всю ночь на меня. Два ветки с головы, детка моя. Из клуба ночью на машине тебя заберу. И не сказав родителям, на море увезу. Мы будем пить вино. अच्छा जी, और साथ ही साथ चैलेंज की बात करते हैं जेमिनाई की। जेमिनाई के लोगों के लिए आज का दिन रहेगा कैसा? एंड जेमिनाई वालों, हाँ भी जेमिनाई वालों, So, आज अपने सर अंजाम दिए जाने वाले अमूर के बारे में दूसरों के तबसरों और तासरों को इंतहाई संजीदगी से सुने और अपने इल्म में होने वाला इजाफा आप उससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अपने लिए बेहतर रास्ता अख्तियार करने का मंसूबा बनाने की कोशिश करें। अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद के साथ माली मामला और बहसों को वैसा करने से गुरेज करें क्योंकि आपके दर गुजार और तहमुल मिजाजी से काम लेने की वजह से बहुत जल्द सब कुछ मामूल के मुताबिक आ जाएगा। आज अपनी कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाने की कोशिश जरूर करें क्योंकि आपके लिए बेहतर मौका यही कि अपने तयशुदा अमूर के मुताबिक अपने घर में तब्दीली पैदा करके अपने वक्त का मुअसर इस्तेमाल यकीनी बनाएं। बात करेंगे कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने माली फवायद के हुसूल या अपने माली मामलात में कामयाबी के लिए बेहतरीन मंसूबा बंदी कर सकेंगे क्योंकि मुस्तकबिल में आपके लिए सामने आने वाली मुआशी इस्तेहकाम के मौके आपसे जो है वो आप बहर हाल फायदे आपको देने वाले हैं। क्या लिखते हैं? आज मसलहत पसंदी से काम ले और अपने ख्यालात का इजहार करके सूरत हाल को जबरदस्ती उसके मुताबिक बनाने से गुरेज करें वरना जो है माहौल कुछ गर्मा गर्मी का पैदा हो जाएगा। और आज अपने दोस्तों के साथ अपने ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम कर सकेंगे। आपको अपने नए कारोबारी मंसूबे के बारे में मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद ही अमल पैरा होने की कोशिश करनी चाहिए ताकि भरपूर तरीके से अपने मसाइल के हल की जाने में तवज्जो दे सके। मुझे लगता है ये जो स्टार्स वाले ना इनको पता नहीं चलता कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा है। मतलब मुझे लगता है कि इनको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है दुनिया में। मतलब अपनी धुन में मगन है भाई ये। मतलब कहां से कहां क्या कारोबार, ये आपको यहां से पैसे मिल जाएंगे वहां से पैसे मिल जाएंगे, ये नहीं बताते भाई किसी की सैलरी बढ़ जाएगी, ये भी तो बताएं। और साथ साथ मोहम्मद जावेद हमारे साथ मौजूद, कहते हैं आरजी साहब कमेंट रीड करो या बस बातें करती रहोगी। अच्छा पढ़ रही हूँ भाई, पढ़ रही हूँ, क्या हो गया? बातें करने तो आते हैं हमें अपने दिल, हाँ अपने दिल की बातें सारी यहाँ करते हैं। दिस इज फैक्ट यू नो। सो रेडियो कैसा मीडियम है जहाँ पर भाई हम अपने दिल की बातें कर सकते हैं। ओके अच्छा जी, मोहम्मद फराज वालेकुम अस्सलाम, जुमा मुबारक, थैंक यू। और इसके अलावा जी उरुसा कह रही हैं कि आप ही इंसान को चोर बन जाना चाहिए एक दिन में, पता नहीं कितना है ना करें। आफ्ताब अली मेहर कहते हैं कि आप ही अस्सलाम वालेकुम, आपका शो दो दिन से नहीं सुन सका, काम था। और इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि चाइनास खाम का बाजार, पता नहीं क्या लिखा है। और इसके अलावा आप ही उम्मीद है कि खुश होंगी। टू ऑल सुनने वालों को सलाम। चैलेंज वाले को सलाम, बहुत कोई बात नहीं मेरे भाई, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप काम में बिजी थे कोई बात नहीं, हमारा शो मौजूद होता है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, राइट? तो दोनों जगह पर आप लोग सुन सकते हैं, फेसबुक और यूट्यूब हो, परेशान नहीं हो। अगर कभी काम में मसरूफ है, शो नहीं सुन सके, बाद में सुन लें जब टाइम मिले, राइट? कामरान शाह वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपको, मुबारक। काशिफ अली मलिक कहते हैं खुश आमदेद आपको, बहुत सी नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छी सेहत और सलामती के साथ खुश रखे, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, आपके लिए बहुत सही दुआएं। फराज कहते हैं कि कैसी हो बेटा फरहाना, आ गए अब नाना अब्बू। काशी वाले मैंने कहते हैं जिंदगी में एक चीज होती है जिसे कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, पुरसकून जिंदगी गुजारने के लिए उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। जिस चीज को तुम बदल ना सको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया करो, मगर अपनी किसी भी ख्वाहिश को कभी भी जुनून मत बनाना। जो बात है रिजवान रिजवी कहते हैं वेलकम टू द वेरी वंडरफुल एंड ऑसम शो डियर आरजे, बहुत शुक्रिया रिजवान। और मोहम्मद फराज कहते हैं एक एडवाइस है कि ना सबके लिए साइकिल ले लो आप पेट्रोल को ना। यार दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, क्योंकि पेट्रोल अगर चाहे अब साइकिल हर कोई तो नहीं चला सकते ना भाई, कैसे साइकिल क्या आजकल के दौर में अब ये पॉसिबिलिटीज रही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हम लोगों को इतनी आदत हो गई है ना लग्जरियस चीजों की, इतनी जब आदत हो जाती है ना लोगों को, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। तो
इट इज नॉट पॉसिबल कि आप साइकिल चलाई जाए। बाहर मुल्कों में अभी भी लोग साइकिल पर जाते हैं, ऑफिस जा रहे हैं साइकिल पर, बट लेकिन अब नहीं है भाई पॉसिबल ऐसा। अब पेट्रोल महंगा है तो लेकिन फिर भी इस्तेमाल करेंगे, जरूरी है, जरूरत की चीज बन गई है पेट्रोल भी। पर आज कर टॉपिक तो बता दो, अरे बता दो दिया टॉपिक। अगर आपको पूरी जिंदगी के लिए कोई एक चीज फ्री मिलती तो क्या चीज लेना पसंद करते हैं? और साथ साथ आपने बताना है कोई इंटरेस्टिंग ऐसी बात बतानी है कि जिसके बगैर आप जी नहीं सकते, क्या चीज है भाई, यू कैन नॉट लिव विदाउट। अंसार अली भाई सर कहते हैं राइट बाजी, ओके बहुत शुक्रिया, आई एम ऑलवेज राइट। और साथ साथ जोया कह रही है अस्सलाम वालेकुम अभिजान, क्या हाल है, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेल थैंक यू, आप कैसी हैं जोया? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। फराज कह रहे हैं तुम आए तो आया, मुझे याद पेट्रोल पे आज चांद निकला। अच्छा मैंने सुना बड़ा कुछ हंगामा और दिखा भी रहते ना आगे, बड़े कोई एहतजाज वगैरह हो रहा था, फिर वो सुबह सारे पेट्रोल पंप खुल गए, लाइनें लगी हुई हैं, इतनी इतनी इतना कोई रश पेट्रोल पंप पे कल रात में, और सुबह कुछ भी नहीं, मतलब उसी कीमत पे सब लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं 2 से 10 रुपए की। काजू अली भाई कह रहे नहीं अब अली भाई नहीं आ रहे ना इसलिए ना बेहोश नहीं होगी। जो पाऊं कामयाबी की बात करेंगे, कामयाबी बेहोश नहीं होगी, जो पाऊं चुमने आएगी तो तौबा। पर आज कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जा रहे हैं कितने दिनों के, तो बात हो गई बस कर दो। बहुत शुक्रिया, वालेकुम असलम, थैंक यू सो मच। एंड इसके अलावा हबीबा और कहते हैं कि अब पता है क्या, साइकिल अगर लोग साइकिल खरीदना शुरू कर देंगे ना, अब पता है साइकिल भी महंगी हो जाएगी। मैं बता रही हूँ, देखिए मैं क्या बता रही हूँ, इट इज नॉर्मल, मैं तो वैसे कह रही हूँ इट इज नॉर्मल। हमारे यहाँ जो चीज जिस चीज का स्कोप हो जाए ना तो वो चीज महंगी हो जाती है, मैं लिटरली आपको बता रही हूँ। कोई एक चीज फेमस हो जाए बस, फिर उसके बाद उसकी कीमत देखिए आसमान पे पहुंच जाती है, फिर जब लोग लेना छोड़ देते ना फिर उसको कोई पूछता ही नहीं है। और अक्सर ऐसी चीजें जिनको कभी कोई पूछता नहीं है, फिर अचानक से उसको इतनी हाइप मिल जाती है कि बस। फाद अली लाशारी कह रहे हैं अभी आतिफ असलम सुनाओ, बिल्कुल जी आज कोई हम गाना आतिफ असलम का अब नहीं प्ले करेंगे। अच्छा जी, और साथ ही साथ अंसार अली वो भी कह रहे हैं कि लगता है कि ना सब साइकिल अब ना साइकिल लेनी पड़ेगी। मेहर तारिक क्लास लैया से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द शो। और आप भी कह रहे हैं थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रिजवान रिजवी कहते हैं आई ऑलवेज प्रे फॉर यू एंड स्पेशली फॉर योर बिलव्ड पेरेंट्स आफ्टर ईच नमाज ऑफ अ डे एंड तहज्जुद डियर। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला रिजवान मेरे भाई, प्लीज बस दुआओं में याद रखें, यही सबसे बड़ा तोहफा होता है और अनमोल तोहफा होता है जब दिल से पुरखलूस दुआएं आप लोग देते हैं ना, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज चाहे आप किसी दिन मेरे लिए भूल जाए लेकिन मेरे पेरेंट्स को कभी ना भूला करें, दुआओं में जरूर याद रखा करें। फराज कह रहे फरहाना आप मेरी नानी में मिलती हैं, जब जब ना तुम्हें देखूं मेरी ना नानी याद आ जाती मुझे। तुम बेटा तुम मुझे अपनी नानी समझो बस, फिर उसके बाद तुम देखो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा फराज। पता है ना नानियां कैसी होती हैं, सोच लो बेटा। अच्छा जी, शौकत कहते हैं कि ना सिस्टर लिब्रा का बता दो। अच्छा मैं बता दूं लिब्रा का। और साथ साथ मसूद साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे सैयदा फरहान अली, जेडीओ की महारानी बाजीराव मस्ताने, वालेकुम अस्सलाम। अरे आ गए आज मसूद साहब, कहाँ थे आप इतने दिनों से? कहने के अपने क्या कुछ कह रहे थे, कॉमेंट स्क्रॉल हो गया। मसूद साहब दोबारा पेस्ट कर दीजिए, आई वॉन्ट टू रीड इट। अच्छा जी, और आयशा कह रही कि अभिजान मेरे तमाम अंकल्स को मेरा सलाम, वालेकुम असलाम। चलो तमाम अंकल्स की जाने से बहुत शुक्रिया। कामरान शाह कहते हैं कि बीफ बिरयानी फ्री मिलना चाहिए। और इसके अलावा काशिफ अंसारी कहते हैं गुड मॉर्निंग फरहान अली जन्नत, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, क्या हाल है काशिफ, ठीक है आप, खैरियत हैं? और इसके अलावा अदनान अली दिलदार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजी फरहान जी, क्या हाल है, वालेकुम असलम, वेरी वेल थैंक यू। एंड हबीबा पर कहते हैं कि दादू से नाइस हो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, आपको मुबारक। एंड फहद अली लाशारी कहते हैं कि आई एम फ्रॉम लाड़काना एंड सिटी सिंधी से, सिटी सिंधी से, ओके ठीक है। अच्छा जी, साथ साथ काशिफ अंसारी कहते हैं सब सुनने वालों को मेरा सलाम, चले जी वालेकुम असलम, बहुत शुक्रिया। उस्मान शाहिद वालेकुम असलम, शो पसंद आ रहा आपको, थैंक यू। और आज कह रहे हैं बिरयानी भी महंगी हो गई।
और साथ साथ बहुत अली लाचारी कहते हैं जो मुबारक डेरा भी बढ़ाना चले। बहुत शुक्रिया बहुत मेरे भाई आयशा कासिम कहती हैं आप भी जान दो दिन आपका शो नहीं सुन सकी, घर में बहुत सारे मेहमान थे तो मुझे ना गुना तो नहीं मिलेगा ना। चलो खैर है कोई नहीं, नहीं मिलेगा गुना। ओके अच्छा जी, और साथ ही साथ लड़की ने इतने सारे कमेंट्स पेस्ट कर दिए। यासिर जावेद कह रहे आज नींद ना आने की वजह से ना शो सुन पा रहा हूँ मैं, बस कर दो लड़के। और तुम ये बताओ शो सुन पा रहे हो? हमारे पास आज ही टाइम होगा, नींद ना आने की वजह तो नहीं है ये है? ये वजह तो नहीं है, बताओ क्या वजह है? यासिर जो मेरे कजन है बेसिकली, तुम्हारी आंखें खुलती नहीं है इतनी जल्दी वैसे यासिर। तुम्हें तो भाई अर्दुरुल आ जाए। वही वाले अर्दुरुल जिसकी तुमने कल वीडियो पोस्ट की है, अर्दुरुल आ जाए हैं तब तुम्हारी आंखें ना खुले यासिर बेटा। उस्मान जावेद कहते हैं हाँ भाई चले भाई ठीक है, सियासी बातें नहीं करते। मदर अब्बास भैया कहते हैं फ्रॉम लैया पंजाब सलाम आज सईद फरहान अली शो इज वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया वालेकुम अस्सलाम। साथ साथ कौन है ये लाजपत राय भील, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू अदनान अली दिलदार, बहुत शुक्रिया। गुरशो कहते हैं पर आज कहते हैं कि भाई अरे साइकिल नहीं तो गधा गाड़ी ले लो, तुम ही ले लो गधा गाड़ी और तुम्हें तो गधे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सिर्फ गाड़ी ले लो। उर्सावर कह रही है आप ही कराची में तो इंसान को चाहिए वो बिना मोबाइल और पैसों के घर से निकलना चाहिए, एक ही मंथ में अब्बू के दो मोबाइल ले गए हैं और ओ माय गॉड लिटरली कहते हैं कि कह रही है अल्लाह हिदायत दें चोरों को, बिल्कुल जी अल्लाह हिदायत दें। मुल्क में महंगाई होने का मतलब हरगिज ये नहीं है भाई कि अब एक दूसरों से भाई ये वैसे स्नैचिंग कुछ ज्यादा नहीं हो गई है, अक्सर मैं सुन रही हूँ और भी वो कोई और भी मुझे आके बता रहा था ना ऑन एयर कि भाई किसी और का भी फोन ऐसे ही जो है वो यू नो स्नैच हो गया। क्या हो रहा है चलें जी, हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला हिदायत दे इन लोगों को। रिजवान रिजवी कहते हैं यू आर सो स्वीट काइंड नॉट इडियट आरजे। अच्छा जी बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और साथ साथ मालिक फैजान वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू कहते हैं कि सुबह बखैर सुनने वालों को सलाम वालेकुम अस्सलाम आपको शुभ मुबारक। काशिफ अंसारी कहते हैं कि अब क्या अभी और महंगा होगा पेट्रोल, पता नहीं कितना महंगा होगा मेरे भाई नहीं पता। और साथ साथ महसूस आप करेंगे मैम हमारे मुल्क में पेट्रोल सस्ता हो रहा है और आपके वहाँ तकलीफ हद तक महंगा हो रहा है, आप भी ना गोलू मोल की तरह इंडिया आ जाए। आपको ना ताजमहल भी दिखाना है। नहीं ताजमहल तो हम देख लेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन सेटल होने का तो मेरा कोई सीन ही नहीं है पाकिस्तान से बाहर का। और साथ साथ आफ्ताब अली महर कहते हैं अभी मेरा ताल्लुक जो है वो डिस्ट्रिक्ट घोड़की से है और मैं ड्राइविंग इस्लाम कोर्ट कर रहे हैं। अरे वाह क्या बात कह रहे हैं, तीन मंथ हो गए हैं आपका शो फेसबुक पर सुनता हूँ। अरे वाह क्या बात, बहुत शुक्रिया मेरे भाई जजाकल्ला। कामरान अच्छा कहते हैं कि अभी हमारे यहाँ ना एक मोटरसाइकिल ने खुदकुशी कर ली है। आप भी कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सूरज जैसी आरजे। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है ना सूरज जैसा होना चाहिए, कम अज कम कोई आंखें उठा के भी नहीं देख सकते। अरे हाँ बच्चे सूरज जैसी अब आप ही कोई तरकीब चलाएं, किस बात की तरकीब चलाऊंगा। वैसे ये बात आपने अच्छी कही सूरज जैसी। अच्छा है ना, कम से कम कोई आंख तो उठा के नहीं देख सकता ना नए दिन के साथ सुबह सुबह यू नो पॉजिटिविटी पहुंचा है लोगों में, सूरज पॉजिटिविटी देता है भाई। ये हमारी मतलब वो है कोर्स को, हमें इतनी जरूरत नहीं होती ना धूप की, वो एक अलग चीज है। ठीक है कोई बात नहीं। सैयदाना आपकी आवाज के बगैर जीना बहुत मुश्किल है, अल्लाह भागना आपको हमेशा खुश रखे और सलामत रखे। चले बहुत शुक्रिया सैयद राजा मेरे भाई। और जजाकल्ला फहद कहते हैं कि नाच सुनाओ तो गुजा मन गुजा, मैं गाने चला रही हूँ नाच सुनाओ बीच में, दिस इज नॉट राइट। और साथ साथ काश वाली मैंने कहते हैं ये शेर फराज भाई के ब्रेकअप वाली हरकतों के नाम ढूंढता फिरता हूँ एक। तो बहुत है अरजीत सिंह कहते हैं आज हमारा सदा बहन जी कितने हैं, उनका शो इस तरह इस टाइम तो नहीं होता है, उनका शो तो 11 बजे होता है और जुमे वाले दिन नहीं होता है। मेरा शो होता है रोजाना इस टाइम पे 9 से 11। हरजीत मेरे भाई काशी वाले मालिक कहते हैं कि पिछले बार जब पेट्रोल पे 30 रुपए बढ़े थे तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही भाई ऐसे ही चल रहा है भाई, क्या करें काशी वाली मालिक। अब ये सब बातें यहाँ पे करने का फायदा है नहीं, अगर हम यहाँ पे भी 2 घंटे के शो में भी अब सियासी बातें करेंगे तो मेरे हर तरफ तो सियासी बातें चल ही रही है, छोड़े अभी फिलहाल 2 घंटे के लिए। टाइम चेक भी आ रहा है और साथ साथ अच्छा जी वाहिद नोहड़ी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शो नाइस है फ्रॉम कांतियो थर पार्कर फिलहाल कराची। ओके वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया, क्या बात है कराची आया मैं, आप जबरदस्त हो गया भाई एंजॉय करें।
अच्छा जी, रिहान अहमद कहते हैं क्या सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, आप माशाल्लाह से सैयद हो, क्या बात है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। और साथ साथ रूसा कह रही है कि मुझे बस छुट्टी मिले मेहमानों से ताकि ना उम्र काफी है ये। ओ माय गॉड, लड़की के ख्वाब देखो, ये तो वही बात हो गई, दीवाने का ख्वाब। काशिफ अली वाले कहते हैं अगर आप भी अभी आप लोग उनके लिए मगफरत की दुआ ना करेंगे तो कब करेंगे, आपको मालूम है। अच्छा बस कर दो, क्या हो गया काशिफ अली वाले, कहाँ से छाप छाप के लेके आ रहे हो भाई, क्या हो गया, बस कर दो। और साथ साथ रुबीना कह रही है और फरहाना बात सुनो, हमारे मुल्क में ना चाय कितनी महंगाई हो जाए, ये आवाम ना कभी घरों से बाहर नहीं निकलेगी, और क्योंकि जैसी आवाम होती है ना वैसी जो बात है। रुबीना वाह वाह रुबीना, क्या काम की, क्या पते की बात कही है, ओ माय गॉड। और साथ साथ फराज करेंगे हाँ हाँ वैसे ये क्या होता है। कह रहे वैसे मेरी नाई ना बहुत मासूम है, बाकी ना आपको नहीं पता। अच्छा सही है, और साथ नहीं हम आपको क्यों बताएं। और बस साहब कह रहे हैं कि पूछना ये था कि ये वाली हुकूमत गरीबी दूर करने आई है या महंगाई की मार, और पता नहीं क्या लिखा था। अब इतना मेरे कुछ कमेंट ऐसे स्क्रॉल हो रहे हैं, कैसे पढ़ूंगी मैं भाई, रुके तो सही। और हरजीत सिंह कह रहे हैं कि जुम्मे मुबारक, जुम्मे पर अच्छा गिफ्ट दिया है पाक आवाम को। अच्छा क्या आप पाकिस्तान में रहते हैं हरजीत सिंह, ये बताइए जरा मुझे, आप तो इंडिया में रहते हैं, बात है आप पाकिस्तान में ऐसे कर रहे हैं, आपको लग रहा है भाई ओहो आपको भी गिफ्ट मिला है। चलें ठीक है, आप हमारा हमारा दर्द महसूस करें, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मैं ऐसे ही कह रही हूँ। अच्छा जी सोया कह रही है शो इज वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ मेहर गुलजार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कलासरा से लिया से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। मसूद आप कह रहे हैं टॉपिक टू पर, वाइफ मिले ना मिले मगर वाईफाई फ्री मिलना चाहिए। अब तो मिल गई आपको वाइफ, वो भी खाला की बेटी, मामू की बेटी, खाला की बेटी, बताया ना अंकल। अच्छा जी काश बता रही है अब महंगाई क्यों हो गई है मुझे नहीं पता। हरजीत सिंह कह रहे हैं नेक्स्ट मंथ बिजली भी 7.91 रुपए बढ़ जाएगी है। आदमी कहते हैं क्यों उन भाई का। नहीं वैसे ही कह रही हूँ। स्मोकर बॉय कहते हैं कराची में ना महंगाई बहुत बढ़ गई है और कहाँ जाएंगे गरीब लोग, बस अल्लाह हिदायत दुआ करे मेरे भाई, यही कह सकते हैं। और साथ साथ जवार मोहम्मद बच्चल कहते हैं कि बाजी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। चलिए जी टाइम चेक आ रहा है भाई, हम अपनी बातें करते रहेंगे, टाइम चेक ना निकल जाए। चलिए जी टाइम चेक की जानिब जाते हैं। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2। It's 10 a.m. This time check is brought to you by Ziauddin College of Medicine. Alright, welcome back. आयशा पता क्या कह रही है, आयशा कह रही है ना फराज भाई ना गधा गाड़ी लेंगे तो हमें बैठ के ना हमें बिठा कर उस पे सब जगह घुमाएंगे। ओके अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह वाला खेल कहते हैं कि मौजज़े करना अल्लाह का काम है, हमें बस दुआ सबर और यकीन रखना है, बेशक ये बात आपने बहुत सच्ची कही है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही है, मौजज़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, आप बस सबर रखें, यकीन रखें, दुआ करें, दिस इज व्हाट यू नीड रेडी नाउ। सो लिटरली ऐसे ही है, अब सबर जो है ना लोग सबर नहीं करते यार, सबर करना बड़ा जरूरी है, हर चीज का एक टाइम होता है और हर चीज एक टाइम पर ही होती है, उससे पहले वो कभी नहीं हो सकती, तो जिस चीज का जो टाइम है और उस चीज को उसी टाइम पर होना है, you know? So, सबर और यकीन है कामिल अल्लाह ताला की जात पर। तो अल्लाह ताला की जात पर जब आपको यकीन है कामिल है तो फिर आपको डरने की जरूरत ही नहीं है सारी दुनिया से, सीधी सी बात है, तो यकीन रखें और फिर उसके बाद एंजॉय करें और नहीं तो क्या, बिलीव इज एवरीथिंग। अच्छा जी और साथ साथ चलें जी, अब मैं ना यहाँ पे बड़ी टची हो जाती हूँ। अच्छा जी ओके, और साथ साथ कौन है हरजीत सिंह कहते हैं ओ माय गॉड। अच्छा जी वैसे बात आपने सच कही, दोनों दोस्त हैं ना इसलिए हरजीत सिंह, ये वाली बात है। वो क्या कहते हैं चले जो भी कहते हैं छोड़े, काश वाले वाले कहते हैं भाई साहब की वाइफ, भट्टी साहब की वाइफ का पीर को ऑपरेशन है, सब उनके लिए दुआ के लिए दरखास्त है। चले जी सबसे दुआ की दरखास्त उन्होंने की है, प्लीज दुआ कीजिएगा आप तमाम लोग, और हम दुआ करते हैं भट्टी साहब की वाइफ के लिए, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल तौर पर सहती अभी तक फरमाए, जो भी उनकी सर्जरी है ऑपरेशन है वो कामयाब हो जाए।
और उसके बाद अल्लाह ताला उनको सेहत की अभी तक फरमाए। आवेदन के टॉपिक पर मेरे लिए दुनिया की तमाम होटल ढाबे फ्री हो, मैं जहाँ चाहूँ जब चाहूँ और खाऊं पीऊं, मुझसे ना कोई सवाल ना हो। यासिर कह रहे कि हाँ हाँ हाँ, अर्थरुल सीरीज की तरह ना घोड़े दौड़ेंगे यहाँ भी आप। बेटा घोड़े दौड़े ना दौड़े, घोड़े भी तो इतने महंगे। अगर घोड़ों की डिमांड बढ़ गई तो फिर ये बताओ यासिर, तो क्या पता लोग फिर घोड़े खरीदना शुरू हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो यही होता है ना। फराज कह रहे आप और सूरज बेटा मुंह धो लो, बेटा कम फ्री हो अगर जरा। और साथ साथ काशिफ जारी कहते हैं कि हमें तो पाकिस्तान में ही जीना है, यानी कि दफन होना है, या ये वजह नहीं है कि हम और कहीं नहीं जा सकते, वजह ये है कि इंशाल्लाह हम ही सब ठीक करेंगे इंशाल्लाह। और कह रही है अभी मोस्टर की पिक्चर पोस्ट नहीं किया आपने, अरे चलो पोस्ट कर दूंगी आज, सही है। हाँ फेसबुक पर नहीं पोस्ट की थी, चलो आज मैं लगाती हूँ इंशाल्लाह। जाहिद गुल मोहम्मद कहते हैं कि जो मुबारक, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ फराज कह रहे हैं कि अरे किसी दिन शो में ना जॉन सिना को बुलाओ, कुछ सीखने को तो मिलेगा हमें। जॉन सिना और हरजीत सिंह कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का तो अल्लाह रखा। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा हरजीत सिंह, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं, बस पॉजिटिव रहे और अच्छा सोचे। वो कहते ना अच्छा सोचते हैं ना जवाब, तो सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो है केमिकल प्रोड्यूस होता है ना पॉजिटिविटी वाला, और पॉजिटिव हो जाती है चीजें। काशी वाली मलिक कहते हैं चले ठीक है, हम मिट्टी ना ऊपर डालकर दफनाई देते हैं। शौकत कहते हैं अब तो साइकिल भी ना 1.6 मिलियन की हो जाएगी। और आप कह रहे हैं बड़ी गलत फहमी कितनी हो गई है ना लोगों में, नाराज हुए बैठे हैं आप। देखें अगर गाल पर ना मच्छर बैठा हो तो हमें मार देना चाहिए ना, हमने ऐसा ही किया और फड्डा हो गया। ये बंदा देख के करना चाहिए आपको, पता है, चाहे गाल में मच्छर बैठा हो चाहे गाल में छिपकली बैठी हो, बस हमने देखना है कि भाई अगला बंदा कौन है सामने। चले जी गाना प्ले करते हैं एक और, फिर उसके बाद वापस आएंगे आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे। और गाना हम जो अगला प्ले करने जा रहे हैं, लेट्स सी वो मैं कौन सा प्ले करती हूँ, और ये वाला तो आई डोंट नो ये कैसा गाना है, लेट्स सी इस गाने को सुन लेते हैं और होपफुली क्या अच्छा होगा ये गाना, होपफुली अच्छा ही होगा। लेट्स सी, चले जी हियर वी गो। ओके घर वापस जब आओगे तुम, कौन तुम्हें पहचानेगा, कौन कहेगा, कौन कहेगा, कौन कहेगा तुम बिन साजन ये नगरी।
10 बज चुके हैं, अब है कॉल का टाइम। 03-2-1-3-6-6-0-3-0-3 इज द नंबर टू कॉल। So, जो लोग कल कॉल कर चुके हैं, बराए मेहरबानी आज कॉल मत कीजिएगा, दूसरे लोगों को मौका दीजिएगा। राइट, लेट्स सी द वेरी फर्स्ट कॉलर हु हैव विद अस। एंड अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रमजान मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह का बड़ा। हम आप कैसे हैं? खैरियत से हैं, ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। खुश आमदीद आपको। बहुत शुक्रिया, आपको भी खुश आमदीद। बहुत शर्माजी और तमाम खूबसूरत सवातों को मेरा सलाम पहुँचे। वालेकुम अस्सलाम। तो अंकल भी हमारी कॉल के इंतजार में है। जी जी, मैंने कॉल कर ली है, तो आन करीब इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाते हैं लाजमी, इंशाल्लाह मंडे या ट्यूजडे को लाजमी करूंगा कॉल इंशाल्लाह। जी जी, मुस्लिम से आपके लिए, आपके अहल खाना के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। और यही दुआएं तमाम सुनने वालों के लिए है। अच्छा, आप फरमा रहे थे कि मुफ्त की कोई चीज ना। जी जी, तो मुस्लिम सैयद फराना अली साहब, अगर हम तजिया करें जी का, जी तो फ्री में जो चीज भी दी उसकी कोई ना कोई कीमत चुकाना पड़ती है। तो फ्री की चीजों से मैं बहुत ज्यादा बचता हूँ, तो बाहर दफा वो कीमत चुकानी पड़ती है कि जो जिसका यानी कि आप कह सकते हैं कि मिजाज के खिलाफ हो। सही, बाहर दफा अगर आप वो कीमत नहीं चुकाते तो आपको ताना भी सुनने को मिलता है कि फलां चीज मैंने आप फ्री दी थी तो आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो बात है, तो मुफ्त की चीजों से बचना चाहिए मेरा ये बात। एक आप थोड़ी बहुत कीमत दोस्त पे भी, दोस्त से भी चीज ले रहे हैं तो उन्हें कहें कि यार आप कम कीमत लगा रहे हैं। सही, आपका नाम है तो उसकी कीमत चुकाने से आप लोग बच जाते हैं। सही, मौसम से सवाल है। दूसरा जो आपका सवाल है ये बहुत अहम सवाल है जी। हजूर जी एक न्यूज वसलम एक महफिल में तशरीफ फरमा थे, जुम्मे का दिन मैं ये बात लाजमी करना चाहूंगा। काफी सारे सहाबा कराम तशरीफ फरमा थे तो हजरत अली करम वाला वजू तशरीफ हुए आते हैं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बिल्कुल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में बैठे होते हैं। तो अब जब वो मजलिस में दाखिल होते हैं हजरत अली करम वाला वजू, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी मशीन से खड़े हो जाते हैं। सही, अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, आप हजरत अली की जगह खाली कर देते हैं, तो आप एक साइड पे बैठ जाते हैं और हजरत अली करम वाला वजू उसी जगह पर आकर बैठ जाते हैं जिस जगह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे। सही, तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा किराम को मुखातिब करके फरमाया कि मेरे दोस्तों इज्जत वाले ही दूसरों को इज्जत वाले ही दूसरों को इज्जत देते हैं। बिल्कुल, इस चीज की बड़ी कमी महसूस होती है आजकल कि हम इज्जत ना देकर इसकी तवक्को कर रहे हैं। जो बात है, इस चीज की इतनी कमी महसूस होती है कि हम इज्जत दूसरों से, मैं आपसे इज्जत तलब कर रहा हूँ, एहतराम तलब कर रहा हूँ, खलूस तलब कर रहा हूँ, तो उसके बदले में मैं एक फीसद भी नहीं सोचता। अगर मैं मोहतरमा सैयद फरहाना अली सहमा से इन चीजों की तवक्को कर रहा हूँ तो क्या इन तीनों चारों चीजों में मैंने कितना दिया है मोहतरमा सैयद फरहाना अली सहमा? सही, तो जवाब आता है जीरो, जवाब जीरो में मिलता है। और ये सारी चीजें मैं आपसे बिना दिए तवक्को कर रहा हूँ वापसी। सही, इस चीज की हमें बहुत कमी महसूस होती है कि इज्जत देकर इज्जत लेने में मजा आता है। सही, बल्कि इज्जत देकर इज्जत लेने नहीं पड़ती बल्कि खुद खुद। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है। तो मुस्लिम सैयद फरहाना अली साहब, सुबह की आपकी जो हसीन बज़्म होती है जी, तो जैसे थका हारा परिंदा काफी दूर से धूप में सफर करके एक दरख्त के छाये में आकर सांस लेता है, उस दरख्त के छाये में आकर ठंडक महसूस करता है,
उस दरख्त के साय में आकर गर्मी की शिद्दत को महसूस करता है। तो ZUFM की आपकी दम और सदम शहर की नजर हम सदम हमारे लिए ऐसे दर्जा रखती है कि जैसे हम सबके हाथ चलेंगे दरख्त के नीचे आते हैं तो हमें छाया भी मिलता है। छाये में जितनी चीजें आती हैं तो वो ठंडक से तलक रखती है। तो आप दोनों की वजनों में हमें ये तमाम चीजें दस्तियाब होती हैं। तो आपके लिए आपकी गजल के लिए बहुत सारी बहुत शुक्रिया जजाकला। शादो आबाद रहे अल्लाह पाक आपके आमीन आमीन इंशाअल्लाह। आप लोगों की गुफ्तगू होती है ये हमें बहुत अच्छी लगती है। अरे जजाकला। और अच्छी के साथ साथ जब इसको लोग बेटियों में बैठकर बहनों में बैठकर आप लोग गुफ्तगू सुनते हैं जी तो आपकी गजलों को चांद चार भी चार चांद भी लगते हैं और अल्लाह ताला की जात भी खुश होती है। बिल्कुल बिल्कुल जजाकला बहुत शुक्रिया इतने अच्छे अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करने के लिए हमारे लिए बहुत शुक्रिया जजाकला। खुश रहिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग ओके क्या बात है भाई रमजान मलिक साहब आगे इतनी अच्छी अच्छी बातें करके जाते हैं माशाल्लाह। और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई इतना कुछ करती हूँ मतलब जितनी मोहब्बत है जितना प्यार जितना खुलूस आप लोग देते हैं ना हमें लिटरली मैं बहुत बहुत अपने आप को ब्लेस्ड समझती हूँ क्योंकि इतना कुछ तो मैं नहीं करती हूँ आई गेस मैं इतना कुछ नहीं करती जितनी मोहब्बत आप लोग डबल 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 ट्रिपल और पता नहीं कितनी दुगनी तिगनी कितनी ज्यादा मोहब्बत है जो है वो लुटाते हैं हम लोगों पर। चलें जी लेट्स सी के कौन है हमारे साथ लाइन पर एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाल बहुत अच्छे हैं आप कैसे हैं ठीक हैं खैरियत से हैं। खैर खैरियत नादर ब्रो बात कर रहा हूँ कराची से। जी कैसे मेरे भाई ठीक है ना। खैर अल्लाह का करम मैं आपके तसलसल से हुकूमत वक्त से कहना चाहता हूँ नहीं फिलहाल अभी जो है ना हुकूमत की बात नहीं करनी है कोई भी अभी रेडियो स्टेशन पर अलाउड नहीं है राइट अभी हम गरीब कहाँ जाएं हमारे 25,000 तनख्वाह में क्या पूरी हो सही बस हमारी? आप हाँ आप ये कहें कि भाई हमारे लिए कुछ अच्छा करें इस तरह का कुछ करें लेकिन उनके खिलाफ कुछ ना बोलें। नहीं नहीं खिलाफ नहीं कहना चाहता हूँ ये अर्ज करना चाहता हूँ जी 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 हम गरीबों की तरफ देखें जी 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 हमारी 25,000 तनख्वाह कहाँ से पूरा करे 10,000 रुपया किराया भर रहे हैं घर का। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ आपकी बात खत्म कर दिए हमने तो ये इस वजह से हुकूमत से कह रहा हूँ हम गरीबों की तरफ भी देखते हैं। सही हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे मेरे भाई। बस मेरी बहन मेरा ये ठीक हो गया चले अपना ख्याल रखिएगा खुश रहिए अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे। लाफेज लाफेज Мои ты надела кандалы, где пропадают и ночью гадала. А я с друзьями сгораю до тала. Бокала подходит, похоже, с ума. Сумма в карманах у нас немала. Малая смотрит всю ночь на меня. Два ветки с головы, детка моя. Чё, Ленди, мы зид колокол шамил кердей. Летчик, и кон я ваш лайн. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кя хал хэ? Кэси хэ ап? Тик ток, ап сунай. Алхамдулиллах, бехтерин. Мэн бохот пьяри си. हाँ बिल्कुल और बताइए आयशा कासिम बस शो सुन रही थी जबरदस्त हो गया। हाँ तो बताइए ना क्या कहेंगी क्या फ्री में चाहिए आपको बैलेंस चाहिए बैलेंस चाहिए यार लड़की को बैलेंस चाहिए लो इतनी छोटी चीज मांगे ओहो चलो ठीक है। हाँ चलो ये तो अपनी अपनी हुए ना कि छोटी चीज मांगे लेकिन ये तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज से खुश हो जाते हैं ना और इसके अलावा और क्या और आपकी लिसनर है आमना हाँ जी बाइक का एक्सीडेंट हुआ है तो उन्होंने मुझे कहा था फलाना पीओ को बता अरे अरे कैसे भाई अल्लाह खैर करे लड़की को ठीक है वो कुछ लगी तो नहीं है ज्यादा भाई को हाँ अच्छा भाई को तो नहीं लगी ज्यादा तो मुझे नहीं पता इतनी लगी अच्छा मुझे कहा था फलाना पीओ को बता देना दुआ करे चले भाई हम दुआ करते हैं ये लड़के जो ना बहुत क्या कहते हैं यू नो बहुत तेज चलाते हैं बाइक तो ख्याल रखें भाई आराम आराम से चलाया करें बाइक अल्लाह ताला जो है वो सेहत याबी फरमाए और इसके अलावा क्या किस चीज की पकड़ जीना मुश्किल आपको क्या लगता है कोई इंटरेस्टिंग सी बात बताएं
मैं तो काफी सोच रही हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं आ रहा। चलो खैर है, कोई नहीं, बस आप खुश रहें, चल करें, सही है। इसका मतलब है कि हर चीज ओके है, परफेक्ट है, माशाल्लाह, जबरदस्त है। और सबको मेरा सलाम, रुबीना बाजी को, खुशी को। वालेकुम अस्सलाम। बस चले, जबरदस्त हो गया, अपना ख्याल रखिएगा आयशा। अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करके, यू आर वेरी नाइस, माशाल्लाह, सही है। अल्लाह ताला को बहुत खुश रखे। अल्लाह हाफिज। ओके ओके, अरे बीजम गा गया, आ गया आ गया। मैंने कहा बीजम गा गया भाई हमारा। और चले जी, कॉल को शामिल करूँ, एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं। लेट्स सी के कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रहमा आप बताइए, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी रहमा, कल भी मैंने बहुत ज्यादा कॉल की। हाँ बिल्ली आ गई, मुझे डर लगता है। बिल्ली आ गई। अच्छा ये बिल्ली पाली में या बाहर जाएगी? पाँव में ही आ गई, मतलब मैं छत पे थी ना, तो ये मेरे पाँव में ही आ गई। अच्छा ये बाहर जाएगी, इसका मतलब है ये ना मोहल्ले की बिल्ली है। ये गलियों में घूमती रहती है, ये एक छत से दूसरी छत पे आती है, और हमारे घर में इसको रास्ता मिलता है बाहर जाने। अच्छा सही है, ठीक है। हमारे में ना एक बिल्ली है, मतलब बिल्ली नहीं है वो बिल्ला है, वो जो है ना उसने पता नहीं क्या वो रास्ता देख लिया, वो मेन गेट से आने की कोशिश करता है और जाने की कोशिश करता है पिछली खिड़की से। हम कहते हैं क्या भाई, क्या कहाँ घूम रहे हो भाई? वैसे मुझे ये नहीं पता चलता ये बिल्ली है या बिल्ला है। ये बड़े मुंह वाले बिल्ले होते हैं ना, मुंह देखा करो, सूजे में मुंह होते हैं उनके, जैसे लड़कों के मुंह सूजे में नहीं होते, मुंह बने ही रहते हैं, 12 बजे रहते हैं हमेशा मुंह पे, ऐसे बिल्ले होते हैं। हाँ क्रांट, अभी देखना किसी का कमेंट आएगा। आने दो कमेंट। और बताओ क्या कहोगी? मैं भी ठीक हूँ, कल भी मैंने अपनी कॉल मिलाई लेकिन लगी नहीं। अच्छा चल खैर, आज तो मिल गई आपकी कॉल, आज तो मुझे लग रहा है जल्दी मिल गई आपकी कॉल। नहीं इतनी भी लगी नहीं, मैंने आप आई थिंक 50 बार तो डायल कर चुकी। अच्छा 50 बार डायल कर लिया, चलो खैर है, कोई नहीं। कॉल हिस्ट्री में मैंने 50 बार डायल किया। अच्छा चलो सही है, आज चलो फिर भी डायल करने पे कॉल मिल गई, सबसे बड़ी बात ये ना कि कामयाब हो गई। कामयाब हो गई कॉल मिलाने में। और बताओ और क्या कहोगी, क्या भाई क्या फ्री में क्या चाहिए? मैंने आपको एक गुड न्यूज बतानी थी कि मैंने मोबाइल ले लिया। अरे वाह भाई क्या बात है भाई, मुबारक हो आपको आपका मोबाइल, एंजॉय करें आप, जबरदस्त हो गया। दादी ने कुछ कहा तो नहीं? मतलब दादी को थोड़ी पता है, दादी को नहीं पता तो कैसे लिया मोबाइल? मतलब उन्होंने मेरा ही मोबाइल लिया था ना, उन्होंने ऑन करने से मना किया था। अच्छा 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 अच्छा, ऑन कर लिया। अच्छा ये बात है, अच्छा मैंने कहा है, दादी को नहीं बता, अच्छा ठीक है फिर सही है। उन्होंने मेरा ही लिया था। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सही हो गया, सही हो गया। दादी से इतना डरती है भाई, दादी से डरती नहीं हूँ, दादी की इज्जत करती। बिल्कुल ऐसी, और दादी जो है वो आपकी भलाई के लिए कह रही है, वो बाद में आपको जाके रियलाइज होगा। अभी आप, अभी लगता है ना जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको बुरा लगता है कि रोक रही है टोक रही है, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए होती है सारी बातें। कैसी आवाज आ रही है रहमा, क्या क्या मोटर चला दी कोई तुमने पानी की? ये ना मैं छत पे हूँ, हवा की आवाज आ रही होगी, इतनी खतरनाक हवा की आवाज। बस आप गुजारा आप गुजारा करें, चलो तुम्हारी आवाज के पीछे गायब ना जाओ। और बताओ और इसके अलावा क्या बोलोगी? मुझे वो जो कल किसी ने कॉल की थी, आई थिंक नाम है याद, उनकी कमर में दर्द थी। हाँ, 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 जी, जी जी जी, मुझे बहुत अफसोस हुआ सुन के कि वो अकेले रहते हैं, उनका कोई काम करने वाला भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यही उनके लिए दुआ है, और अल्लाह ताला जो उनके लिए बिल्कुल सी आसानियां पैदा फरमाएगा, और इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से कोई रास्ता बन जाएगा उनके लिए। जरूर, बहुत सारी दुआएं रहमा के लिए, हमेशा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला को बहुत खुश रखे। हाँ भाई सब दुआ करें भाई, सही है, चलो सही है। हाँ तो तुम्हारी तहज्जुद में दुआएं करेंगे, अलग से ना नवाफिल पढ़ लेंगे तुम्हारे लिए, सलात तहज्जुद पढ़ेंगे तुम्हारे लिए, सही है। She's such a sweet caller. ओके चले कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं, बैक टू बैक मैंने कॉल्स काफी शामिल कर ली हैं, या एक कॉल को शामिल करूं, चलिए एक कॉल को शामिल करते हैं, उसके बाद हम जो है वो कमेंट्स को शामिल करते हैं। अच्छी की कौन है हमारे लाइन पर? सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आयशा, कैसी हैं आप? मैं
अल्लाह पाक का करण है। ठीक है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुबशर कैसा है? से मेरा शनाख्ती कार्ड मिल गया, मैं अभी घर आई हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त हो गया ये तो। उधर से गुजरे गेट नंबर 6 से, मुबशर कहता है फरहान आप ही के पास जाए। मैंने कहा अच्छा, इधर ही उतर जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। और मुबशर ठीक है? शुक्र अल्लाह, ठीक है। रास्ते में मौसम बड़ा अजीब है, नज़ला, जुकाम, खांसी, गले खराब और बुखार, ये आजकल बहुत आम है, तो आप प्लीज अपना ख्याल रखिये। चलो आपकी दुआ लग गई, देखो शनाख्ती कार्ड चले, बस अल्लाह ताला किसी की भी दुआ किसी के मुँह से निकले कबूल फरमाने वाला तो अल्लाह ताला है। हाँ जी, और क्या कहेंगे? हमारा गिफ्ट पसंद आया था कि नहीं गुलदस्ता? हाँ, मुझे बहुत पसंद आया वो फूल, आपको पता है ना, फूल तो मुझे इतने पसंद है, इतने ज्यादा पसंद है कि बस, इसलिए तो मैं तो फ्रेश फूल लेके गई थी, मैंने मुझे बहुत पसंद है और वो रखा हुआ है मेरे पास अभी भी, मैंने संभाल के रखा है उसको। और क्या कहेंगे इसके अलावा? और तो मैंने टॉपिक सुना नहीं, अभी घर पहुंची हूं, बुरका भी चलें, कोई नहीं, खैर नहीं, आप आराम करें, रेस्ट कर रही हैं, अभी आप आई हैं बाहर से और गर्मी भी बहुत ज्यादा है आज। जी, चलें चलें, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, और मुबशर को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, ठीक है, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। Аллах фез. Из клуба ночью на машине тебе заберу, и не сказав родителям на море увезу. Мы будем пить вино, потом пойдем смотреть кино, а после отвезу к утру тебя к себе домой. Тихая львица, ты моя царица, сопой мариванна. Alright. चलें जी, कमेंट्स को शामिल करते हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत 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 सारे कमेंट्स हैं। अच्छा जी, आप चिश्ती कहते हैं कि सैयदा कैसी हैं? वेरी वेल थैंक यू। और साथ साथ मलिक फैजान कहते हैं कि ऐसा सॉन्ग तो रात को सुने जब लाइट गई भी हो और वो खामोशी के आलम में ना ये सॉन्ग सुने तो ना अच्छी नींद आ जाएगी। तौबा, ऐसा गाना था क्या? सच बताओ, मैंने हेडफोन उतार दिए थे। और उसे कह रही है सब कॉल से दूर रहो, मेरी कॉल आ रही है। चलो कॉल करो रूसा। आबिद चिश्ती कहते हैं कि अपने क्या कह रहे थे, सैयद राजा शाह कहते हैं कि टॉपिक वन पे अपनी फैमिली के बगैर जीना मुश्किल है और अपने जमीन से मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्या बात है। मुजम्मिल खान, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अली रजा, वालेकुम अस्सलाम। और कह रहे हैं कि फरहाना क्या हाल चाल है? मेरे हाल बहुत अच्छे, आप बताइए, आप कैसे, आप ठीक हैं, खैरियत है? इटली का क्या मौसम है भाई, क्या चल रहा है इटली में, तो सर्दी होगी, ये सही है इटली वालों के मजे। और साथ साथ मुजम्मिल खान कहते हैं मुजम्मिल की कॉल कभी उठा लो आप भी। चलो मुजम्मिल कॉल कर उठाएंगे। मसूद साहब कह रहे हैं मैम आप तो ना उसे अच्छी तरह जानती हैं अपने लिसनर को, जब बाप के शो में सॉन्ग सुनाने, बाप के शो में क्या, आपके शो में आना लेगा, बाप के शो में ओके, यानी आपके शो में ना सॉन्ग सुनाने को कहता हूँ, गला खराब होने का बहाना करती है, पहले ऐसा नहीं था, पता नहीं है आइस कुल्फी क्यों इतनी खाती है। अब आप बताएं कि ऐसे लोगों का गला दबाया जाए या दुआ की जाए कि कोई गले ही पड़ जाए। नहीं, आप दुआ कर दें गले वो बड़े जिसको बर्दाश्त कर सके। और साथ में मुजम्मिल खान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बात करें बिल्कुल भी समझ नहीं आया, रमजान अंकल की बहुत बात, आवाज बहुत कम खर खर है, हैं मुझे तो बिल्कुल साफ आवाज आ रही थी, क्या हो गया भाई। और साथ ही साथ अच्छा जी, सफदर असलम बलोच कहते हैं कि माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया अली रजा, बहुत शुक्रिया ऑल द वे फ्रॉम इटली। फराज कहते हैं ये लोग ना बहुत सीधे हैं, मैं बोलता हूँ जैसा सामने वाला है ना उसे उतनी ही मोहब्बत हो, ये लोग ना बहुत मासूम है फरहाना, हर कोई तुम्हारे से थोड़ी ना होता, मतलब ही सेल्फिश, लोग ना बहुत अच्छे हैं, जो लोग हद से ज्यादा मोहब्बत देते हैं मुझे, और आप देख, और मैं भी लोगों से इतनी ही मोहब्बत करती हूँ, जो लोग मुझे ज्यादा मोहब्बत देते हैं तो मैं भी उनसे डबल ट्रिपल मोहब्बत करती हूँ। हाँ, बट आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स यू नो राइट अवे, आई एम नॉट दैट मच एक्सप्रेसिव, ऑफ कोर्स मैं कहीं लिख तो सकती हूँ।
I cannot tell on the face actually. So this is the problem. Let's see kaun hai hamare saath line par. And assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kya hal hai Rabina? Gayi Rabina. हाँ जी फरहान आ गई कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? आप ठीक है, खैरियत से? जी जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। बस आज ना कुछ उदासी उदासी से बहुत हो रही है। क्यों भाई, क्या हो गया? पेट्रोल इतना सदमा ले लिया पेट्रोल का है यार, गरीब इंसान क्या करेगा, तुम खुद देखो 1000 रुपए में होता क्या है भाई। सही बात, 3 बच्चे, घर, तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि घर अपना है। बिल्कुल जी, अच्छी बात है, तो माशाल्लाह भाई यू आर ब्लेस्ड। शुक्र है अल्लाह का, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। जिनके नहीं है उनके लिए मैं परेशान होती हूँ, आपको नहीं पता मैं बहुत एहसास करती हूँ मतलब देख के ना। नहीं नहीं, हमें आपने बता दिया, पता चल गया। नहीं नहीं सच्ची यार, जो बात है ना, नहीं बाकी अपने से नीचे वाले को देख के ना उस चीज को आप सोचो कि यार वो किस तरह से गुजारा कर रहा है। मतलब हम अगर हमारा गुजारा नहीं हो रहा, लोग 50-50 हजार रुपए कमा रहे महीने का, उनका नहीं हो रहा गुजारा, तो ये जो गवर्नमेंट आई है मतलब क्या हमारी हड्डियों से भी गुजर नहीं। बस कर दें, बस कर दें, आप ये बताएं, टॉपिक पे आ जाएं, छोड़ें, ये बताएं कि क्या चीज आपको फ्री चाहिए? क्या फ्री होना चाहिए? बस यार मतलब कहती हूँ सबसे पहले ना खाने पीने की चीजें फ्री कर, खाने पीने की चीजें गवर्नमेंट, हाँ क्योंकि फिर गवर्नमेंट पे आ गई, अभी टॉपिक पे लेकर आई, फिर गवर्नमेंट पे आ गई, बस कर दे टॉपिक पे बात करें, शो में रहे। नहीं आपने कहा बस सही, तो आप कहेंगे भाई खाने की चीजें फ्री मिले, बस बात खत्म, हो गया टॉपिक भाई, आगे तो इससे ज्यादा और टुकड़े लगाने की क्या जरूरत है इसमें। बात सुनो, आबिद भाई को बिरयानी फ्री मिले, वो तो कह रहे हैं मुझे हर चीज खाने की फ्री मिले, सिर्फ बिरयानी से गुजारा नहीं होगा उनका, वो तो पराठे, हलवा पूरी और समोसे और पता नहीं क्या कुछ। बोलो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा भाई, क्या हो गया, कंट्रोल करो। कंट्रोल कंट्रोल भाई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है फिर हॉस्पिटल के चक्कर, फिर वहाँ के बिल, फिर कहेंगे मैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। सही बात है, बताइए। अच्छा आवाम का मसला यही है ना, पहले खा खा के अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेते हैं, सही है, फिर जाते हैं दवा लेने, फिर उसके बाद वहाँ पे जाके पैसे खर्च करते हैं, फिर वापस आके दोबारा कुछ ना कुछ खाते हैं। से बात करो, फरानापी क्या कह रही है, बोलो क्या कह रही, मोश क्या हो रहा है, मोश मोश करो, मोश हाय मोश बताओ, आपी को बताओ, बोलो आपी, मोश क्या कर रही है बताओ बाबू। ओ मोश कभी देखे बच्चे जो है ना अनएक्सपेक्टेडली वो चीजें कह रहे थे, आपने सोचा भी नहीं होता, इसलिए ना बच्चों को ला मुझ क्या करिए दादा, बच्चे सच बता देते भाई, तो इसलिए ना आपने हाँ मैं समझ गई। और उसके अलावा क्या कहेंगी रुबीना? और उसके अलावा ये कहूंगी कि वो क्या बात है, खुशी मुझसे नाराज चल रही है, क्या नाराज चल रही है भाई, हमें क्या बताया, एक दूसरे के पास नंबर है और आगे मुझसे पूछ रही है, मैं कोई बाबी हूँ मैं, है मैं हिसाब लगा के बताऊंगी, जायजा निकालूंगी, आप दोनों क्यों नाराज है, कौन नाराज है? आप कबूतर है, कबूतर हाँ, मैं कबूतर हो ही ना जाऊं, कबूतर ही है, कबूतर ना, मैं कबूतर हूँ ना, मैं कबूतर है ना, तो मैं कबूतर ना, तो मैं कबूतरी, फिर क्या हो, सब बता दें आपको, बस बता दो ना, हाथ पर कटवा दो, हम किसी को कहेंगे। अच्छा ये बताए, और इसके अलावा और बात सुनो, हाँ। रायमा, रायमा से कहो तुमने मोबाइल का दादी से छुपाया, लेकिन तुमने पूरे पूरे पाकिस्तान को बता दिया तुमने, मतलब नहीं फोन दादी को ये बता के ऑन कर लिया है, बाकी तो दादी को बताइए, रायमा दादी को बताऊंगी, ये देखो ये है ना, बीजे मालो जब हो तो किसी को क्या जरूरत है किसी और चीज की, देखो मैं ऑन ईयर कह रही हूँ, अभी तो लोगों का एहसास कर रही थी थोड़ी देर पहले ये, और अभी इनकी बातें सुने, बातें देखे अभी एहसास कर रही थी, और अभी बात की बात है, मतलब अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अभी थोड़ी देर पहले मुझे लोगों का बड़ा एहसास होता है, और अभी कह रही कि अभी तुम्हारी रायमा तुम्हारी दादी को बताऊंगी, तुम्हारी टॉपिक पे, जब टॉपिक पे तो फिर हंसी मजाक ही करेंगे ना, एहसास की बात करोगे तो चलो वाला लाइट चल स्टार्ट कर देते हैं, अच्छा सिर्फ लेक्चर दे रही है, ओ माय माय, सिर्फ लेक्चर, ये आप लेक्चर ले लें बस, और क्या है ना, चले रुबीना, और जी, और कुछ कहेंगी, और क्या कहते हैं, जापान वालों को अस्सलाम वालेकुम, बहुत ज्यादा, अरे जापान वालों क्या हाल है, जापान वालों कभी कॉल भी कर लो, जापान वालों कंजूसों, हाँ वो क्या अक्सर मुझसे बोलता है हमारा जिक्र हो रहा है, मैंने कहा अरे जब, अच्छा हमारा जिक्र हो रहा है, पहले तो ये पूछ रहे हैं, सुन रहे तो है नहीं, हमारा जिक्र हो रहा है, लो भाई ये कोई बात है, आपकी आपकी नोटिफिकेशन जाती है उनके पास, नोटिफिकेशन जाती है तो उनको बोला नोटिफिकेशन पे क्लिक करके सुने भी वो,
कहानी सुनते हैं जो बात है ना अच्छा सही है अच्छा चलो ठीक है, चलो सही है, ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मुश्का भी ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला को बहुत खुश रखे, ख्याल रखा भाई हम लोगों को, बहुत अच्छी बात है, बस सही है, मुझ संभाल के रखो, तंग करती रहना मम्मा को, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। बच्चों को कहने की जरूरत क्या, बच्चे तो ऐसे इतना तंग करते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो रोते नहीं है, मुझे ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो रोते नहीं, हमेशा खुश रहते हैं मेरी तरह ना, हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, तो मुझे ना अपने जैसे बच्चे अच्छे लगते हैं जो रोए ना, हंसते रहे हंसते रहे। लेकिन खैर वो भी एक ट्रिक होती है बच्चों को चुप करवाने में भाई, एक टैलेंट है अगर रो रहे हो तो। ओके जी, आप कह रहे हैं कि जबरदस्त रमजान सर इज्जत वाला ही दूसरे को इज्जत देता है। वैसे आजकल सवाल तो हो सकता है कि रमजान सर की कॉल में कितनी बार कहा मोहतरमा फरहान अली साहब, तो बताइएगा, उसके लिए बिरयानी शरबत कॉफी और 3 लीटर पेट्रोल का इनाम भरी देंगी। हाँ हाँ सब मैं दूंगी, मेरी तो लॉटरी लगी हुई, मैं दूंगी सब, हाँ बिल्कुल गिव अवे करेंगे। मुजब्बिर खान कहते हैं कि एक ही मेरी सहेली थी अलीशा, आज उसने बता दिया कि भाई मैं अलीशा हूँ तो मैं सही से पढ़ना चाहिए था ना मेरे भाई। और इसके अलावा अली रजा, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं मुस्तफा रमजान मलिक साहब कहते हैं कि आदाब मोहतरम सैयद फरहान अली साहब, हम जो अल्फाज आप बहन के गोश गुजार करते हैं, आप बहनों की हैसियत इन अल्फाज से बहुत ज्यादा होती है और आप इस खलूस की हकदार हैं। बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह रमजान मलिक साहब। और साथ ही साथ मतलब कह रहे हैं कि जब दुआ गो, क्या हम दुआ गो हैं मोहतरमा जनाब अनवर जावेद भट्टी साहब की अहलिया मोहतरमा का ऑपरेशन कामयाबी के लिए, बिल्कुल जी चैलेंज जजाकअल्लाह। आबिद कह रहे हैं कि पता नहीं रहमा की कॉल कैसे लग जाती है, फरी नजर कैसे लगती है बताएं तो मुझे क्या मालूम, मैं नहीं लगाती भाई किसी को नजर, सीधी सी बात है, उल्टा लोगों की नजरें मुझे लग जाती लेकिन मेरी नजर तो नहीं लगती। आयशा कासिम कहती है वाह भी जान मजा आ गया, हाँ मजा आया मुझे आपसे बात करके। और साथ साथ आकिब अली कह रहे हैं कि जंगली बिल्ला होगा फरहाना जी, ओके अच्छा जी। ओके अच्छा ठीक है, फराज कह रहे हैं कि अच्छा काफी नॉलेज, बिल्ले मुंह से ऐसे होते हैं ये मेरी ऑब्जर्वेशन है भाई, क्या हो गया वो हमारे वो एक हमारी तरफ आता है एक बिल्ला रोजाना, वो हमारी छत पे जब हम सुबह सुबह कह रही रात जब वॉक करने जाते हैं ना, तो वो बिल्ला जो है ना वो रोजाना, वो व्हाइट कलर का बिल्ला है और इतना कोई सुस्त है ना, इतना कोई वो लेजी बिल्ला है, ओ माई गॉड, मतलब वो पूरे हमारे घर में ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यही गाँव में बस, कभी किसी के दरवाजे पे सोया हुआ होता है वो, कभी रास्ते में अगर जैसे मैं जा रही होती हूँ तो कभी किसी के दरवाजे पे सोया, कभी किसी के दरवाजे पे सोया मिलता है वो जी अच्छा जी, और साथ ही साथ हाँ तो कहाँ पर थे भाई, फराज कह रहे थे कि अच्छा हाँ बिल्कुल जी ऐसे ही है, कह रहे काशिफ अली मलिक को ऐसे मत बोलो दिल दुखता है हद हो गई है। सजाद खान मलिक कहते हैं कि माशाल्लाह बेटी आयशा कासिम और बेटी रामा की जबरदस्त अमेजिंग कॉल, ये क्या किया सजाद अंकल, आज आपने पहला मैसेज नहीं किया, ये किया था हमने बड़ा नहीं मिला नहीं, चलें जी खैर कोई नहीं। अच्छा आप कह रहे हैं कि बच्चों मैं समझ गया आपने ना बड़े मुंह वाला किसको कहा है और बड़े किसको कहा बताया ना, आपको क्या बताया, मैंने तो बिल्ली की बात की है, मैंने जनरली बिल्ली की बात की, बाखुदा मैंने किसी और की बात नहीं की है, मैं सिर्फ बिल्ली की बात कर रही थी लिटरली।
अच्छा जी, और साथ साथ कामरान शाह कह रहे हैं कि कभी लड़कों को कमा बोल दियो, कभी बिल्ला, कोई मसला है आपको लड़कों से? मुझे क्यों मसला होने लगा भाई, मैं तो वैसे एक मिसाल दे रही थी। आप लोग मिसाल नहीं देते लड़कियों की, लड़कियों की तरह रो रहे हो हैं और लड़कियों की तरह ये कर रहे हो, लड़कियों की तरह मेकअप नहीं करते, जब जब कुछ नहीं होता हमने जरा सा कह दिया कि भाई तो इतना बुरा लग रहा है। कौन से सारे लड़कों का है, सारे लड़के थोड़ी ना होते हैं ऐसे, आप होते होंगे ऐसे। अच्छा जी, साथ साथ रुबी ने कह रही है अच्छा जी अब ना दादी को पता चल जाएगा सबको। फराज कह रही है अरे रहमत चौकी दादी को सलाम देना मेरा, बातें सुनो जरा। अच्छा जी, मसूद कह रहे कि मैम बिल्लियों पर रिसर्च करना होता ना मुझसे रब्ता करें। और वाकई में भाई मसूद साहब के पास क्या बिल्लियां हैं, कह रहे बिल्ली के आने जाने से ना बचना हो तो उसे कलेजी नहीं काजल लगा दें फिर वो कभी नहीं आएगी। वाकई में तो काजल उसको लगाएं कैसे, वो हाथ में थोड़ी ना आती है। अभी काजल लगाने वाला क्या सीन है, मतलब कहते हैं लड़कियां बर्तन धोने के बाद जो है वो पता नहीं क्या कह रहे हैं कि थक जाती हैं, थक गई पता नहीं क्या। अब देखें, अब ये आप लोग की बातें करते हैं जब कुछ नहीं होता लड़कियों के बारे में बातें करते हुए हैं। और साथ साथ मुबशर की अम्मी को मुबारक हो के आखिर उनको शांति है। अच्छा शनाख्ती कार्ड, शांति कार्ड कौन सा होता है, शनाख्ती कार्ड मिल गया। हाँ जी बिल्कुल, और साथ साथ सजाद हसन मलिक साहब कह रहे हैं मेरी रामा के लिए मेरी तरफ से हाँ जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं। और साथ साथ फराज कह रहे हैं फूल क्यों लेकर आई आयशा, अब उप्पू मैंने कहा था कि ना पान का पत्ता धोए ने। यू जेलस, आप तो मेरे कहते हैं वो बशीर की अम्मी से कहना चाहता हूँ कि मैंने दुआ की थी NIC के लिए, आप बिरयानी भेज देना। इनकी बातें देखिए सारा क्रेडिट ना खुद ले लेते हैं। कह रहे वैसे भरी मुझे कोई गिफ्ट देना तो कुछ चॉकलेट हो, कुछ मीठा हो खाने को, खाने का फूल तो ना शादियों में सूंघ लेता हूँ मैं। ओ माय गॉड, मतलब कह रहे हैं अच्छा मैम ये पूछ रहा था कि मुबशर की अम्मी आई थी क्या ZFM के स्टूडियो? हाँ जी बिल्कुल ऐसी है, मुझे मिलने आई थी मुबशर के साथ। शौकत कहते हैं कि हाउस वेट। और साथ साथ काशी वाले मालिक कह रहे हैं हमने तो सोच लिया कि 10:30 बजे के बाद मैसेज किया करेंगे, जब आप कॉल लेना शुरू करेंगे तो फायदे क्या फिर, मैसेज तो मैं पहले से बढ़ती हूँ। शौकत कहते हैं कि अभी आपने मेरा स्टार नहीं बताया लिब्रा, यार लिब्रा का मैं बता देती हूँ, चलो कहाँ चले गए, क्या याद करोगे, जरा मैं ढूंढ लूँ। क्योंकि जो है ना ये वाली टैब मैंने बंद कर दी थी। जरा देखते हैं जरा लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या क्या कर सकते हैं लिब्रा वाले। कह रहे आज माहौल में सुबह से ही पाए जाने वाले जहनी उलझाओं से जान छूट जाएगी, अपने दोस्त अहबाब से मुलाकात के दौरान अपने गुस्से पर काबू पाकर अपने आप को पुरसकून बनाना बड़ा जरूरी होगा। और शाम में अपने अहले खाना के साथ बाहमी मशावरत करके किसी सैर तफरी के प्रोग्राम पर अमल पैरा हो सकते हैं, लेकिन अखराजात को मद्देनजर रखना लाजमी होगा। और इसके अलावा ये भाई आपने अपनी तनकीदी सलाहियतों का इजहार किया, उसकी बेदरीक इस्तेमाल से एहतियात करके अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया लिब्रा वालों, सही है भाई, क्या नाम था, शौकत, हाँ मेरे भाई आप सुकून मिला तो मैंने तो कुछ ठंडक मिली तुम्हारे कलेजे को। उरुसा कह रही कॉल नहीं मिलती, चले एक लास्ट कॉल को शामिल करते हैं, लेट्स सी के कौन हमारे लाइन पर। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जाओ मना। कौन है भाई हमारे साथ, कौन है यार, नंबर मैं अपने नंबर से कॉल कर रही हूँ खुशी। हाँ तो ये तुम ऐसे तुमने बोला ऐसे कैसे, मैंने कहा ये कौन आ गई ये लड़की। जाओ मड़ा। फोन करती हूँ कब से मैं नंबर डायल कर दियो। अच्छा क्या हाल है, खुशी आ गई तुम, खुशी खुशी खुशी। आज तुम खुशी खुशी नहीं आई हो, जाओ मड़ा। लिटरली यार सर में दर्द हो गया। हाय आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मेरी वजह से हुआ है। तो जाहिर है मैं नंबर डायल करती, मेरी वजह से सर दर्द हुआ है, फिर तुम्हारा गला दबा दूं?
अरे नहीं मजाक कर रही हूँ, ये बताओ क्या कहो कि हाँ भाई तुम रुबीना से नाराज हो रही, क्या क्या सीन है भाई आपस में नाराज होते यहाँ पे क्या पूछते हो? हम रेनी सॉरी रुबीना, वो क्या है मैं बता नहीं सकती, मैं उनके नंबर खो गई हूँ यहाँ। और नंबर खो गए भाई आपका? मैं उनका नंबर खो गई हूँ, मुझे पता नहीं चलाना। अच्छा सही है। और इसके अलावा मैं अपने नंबर से कॉल कर रही हूँ। हाँ। अच्छा मुझे क्या पता भाई आप किसके नंबर से कॉल कर रही हैं? वो मेरी एक कजन की शादी है ना, वो मोबाइल घर छोड़ दिया इधर में। अच्छा। मेरे साथ तो ये वाला अपना है। अच्छा चल जबरदस्त हो गया। तो कहीं और आई हुई है बात सुने? हाँ जी, हाँ जी सुनाइए। ये नंबर अपनी मोबाइल में डाल करके ना एक मिस कॉल दे देना, ठीक है बेटा? इतनी नहीं हो रही है, सबको नंबर बांट दूं अपना है। ये नंबर दिया हुआ है ना, ये जीरो, ये नंबर दिया हुआ है ना 03213660303 नंबर टू कॉल। अपने अपने मोबाइल में नहीं, कोई मोबाइल वोबाइल में नहीं, नहीं नहीं नहीं, अपना पर्सनल नंबर नहीं देते भाई। चले ना, यही मेरा पर्सनल है, ये मेरा पर्सनल है, नहीं चाहिए। देखो मैं डायरेक्टली मना करती हूँ, बहाने नहीं बनाती, सही है ना? लोग बहाने करते कहते हमारे तो फोन ही नहीं है, सही है ना? है ना? अच्छा बताओ और क्या कहूँगी, या फ्री चाहिए? फ्री में क्या चाहिए? फ्री में फ्री में बहुत कुछ चाहिए। क्या मतलब कुछ, कोई एक चीज बता दो जो जो मुझे पसंद हो। सारी जिंदगी के लिए सिर्फ एक ही चीज मिलेगी? सिर्फ एक ही चीज? क्यों आप बांट रही है क्या कुछ? मैं नहीं बांट रही भाई, मैं तुम्हें टॉपिक बता रही हूँ। आप बांट रही हैं क्या यार? ये लोग फॉरेन से कितनी सारी उम्मीदें लगा लेते हैं, आप बांट रही हैं क्या? वैसे और इंटरनेशनल कंजूस का नाम दिया हुआ है मुझे। हाँ। वैसे फ्री में एक चीज भी नहीं चाहिए मुझे। एक चीज जबरदस्त हो गया, ये चीज लड़की, ये चीज जबरदस्त, दिल खुश कर दिया तुमने। ऐसे कभी ली नहीं अभी तक। रमजान मलिक साहब ने भी ऐसी क्या खूबसूरत, बाकी फ्री में तो कुछ लेना बनता ही नहीं है। हाँ जी, और कुछ कहेंगे इसके अलावा? दूसरा टॉपिक ये भाई, आप किस चीज के बिना नहीं रह सकती? मैं किस चीज के बिना नहीं रह सकती? सच बताओ तो आपका शो है, सो स्वीट। ये तो सही है। हाँ। ये तो जबरदस्त है। वैसे फराना, हाँ एक सॉन्ग है तारों को मोहब्बत, मोहब्बत अंबर से जैसे दिल को मोहब्बत, दिलबर से हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, अब तुम भी कहो ना कुछ हमसे। क्या गा रहा है जी? सावन को मोहब्बत बादल से। ओके चलो ठीक हो गया, चलो सही हो गया, जरूर। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए खुशी रुबीना। चलो भी खुद ही कांटेक्ट कर लो, वो नंबर खो गया उसका, सही है? वो अपना मोबाइल खो गया, वो तो अपना नंबर खो गई हूँ, वो कह रही है, सही है? चलो अपना ख्याल रखना, खुश रहो। अल्लाह हाफिज। Это не любовь, чертово колесо. Я хочу сказать тебе обо всем. И с клуба ночью на машине тебе заберу, и не сказав родителям на море увезу. Мы будем пить вино, потом пойдем смотреть кино. ओके जी, चलें जी, टाइम जो हो चुका है अब एंड, कॉल शामिल नहीं करेंगे अब, कुछ कमेंट्स को शामिल करेंगे, फिर आपसे इजाजत लेंगे। मुशायरा वाली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट टाइम शो सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। और इसके अलावा अशराफ कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं आज ना बुखार है इसलिए ना शो नहीं सुन पाया। चलो गेट वेल सून लड़के, ख्याल रखो अपना। और ये कौन है? पौला तनवीर कहते हैं कि हाय आप ही, हाय। और साथ साथ मोहम्मद शाहिद आरई कहते हैं कि शो बहुत शौक से सुनते हैं, फरहान अली जी चलें, बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह। चौधरी मुदस्सर वड़ाइच पंजाब से सुनते हैं, गुड मॉर्निंग एंड जुमा मुबारक। मुशर्रफ अली कह रहे हैं शो की टाइमिंग बता दें जी, टाइमिंग है 9 से 11 हर रोज पीर से जुमे तक, यानी कि 5 दिन पूरे। तो आज जो है फ्राइडे, तो आज हमारा इस हफ्ते का लास्ट शो है, फिर उसके बाद मंडे को इंशाल्लाह हमारा शो होगा 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान, राइट? आवेदन कह रहे हैं, हारून अंकल कहते हैं कि हम चाहे चाइना को कॉपी करें और साइकिल खरीद लें, कल ना कल से उदास है अंकल। हालांकि पेट्रोल नहीं भरवा दे फिर भी उदास है। हाँ वैसे ये बात तो हारून अंकल ने कई बार कही हमारे शो में आगे।
आयशा काजिम कह रही है नहीं फराना भी आपसे ज्यादा अंकल मालिक के जो है वो प्यारी से ज्यादा बेटी। हाँ अरे हाँ उन्होंने बड़ा मैसेज किया था, ये तो कह रही हूँ मैं पढ़ नहीं पाई। और साथ शहजाद करेंगे मसूद सर क्या लगाना है बताओ, मेरे पास ना चूजे और हैं, कह रहे चूजे और बतखे हैं, बतखे क्या होता है ये हैं, और कह रहे बिल्ले हैं, बिल्ले दीदार के लिए आती है और जाती रहती है। अच्छा ठीक है, बराज कह रहे हैं यार आयशा एक कमेंट कर लो, बागी लोग ना पागल हो जाएंगे, एक कमेंट कर रहे हैं हद है। मुशारा वाली कह रहे हैं मेरा अच्छा सा अब वेलकम करो जी, पहली बार आए हो आपके शुमारे वेलकम कर दिया मेरे भाई, पढ़ लिया आपका कॉमेंट आप तो भी कह रहे हैं हाँ जी पढ़ लिया बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं हारून अंकल की तरफ से सलाम, वालेकुम अस्सलाम, चलिए जी हारून अंकल तक हमारा भी सलाम पहुंचा दीजिएगा। मलिक फैसल बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। और मसूद साहब कह रहे हैं कि हमारे बड़े भाई का तजुर्बा है कि किसी ने कहा था कि बिल्लियों को मारना नहीं है, इसलिए भाई ने उसे क्या छुटकारे के लिए ना बिल्ली को काजल लगाया। ओके हाँ जी बिल्कुल, बिल्लियों को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए और बड़ी मासूम होती हैं। रुबीना कह रही है और वैसे क्या सिर्फ बिल्लियों के नहीं किसी भी जानवर पर जो है वो जुल्म नहीं करना चाहिए, नहीं मारना चाहिए उसको। बात हम गधा गाड़ी की बात कर रहे थे तो इतने सारे जब गधा गाड़ियों पर सामान लाद कर लेकर जाते हैं तो मुझे इतना अफसोस होता है उनको देख कर कि कैसे उनको जो है मार मार के उनका हाल बुरा किया हुआ, उनको खाना ठीक से नहीं देते, क्या बुरी हालत की भी होती है, मतलब इतने सफाक कैसे हो सकते हैं लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता लिटरली। मतलब किसी जानवर के साथ, किसी बेजबान जानवर जो अपनी तकलीफ भी नहीं बयान कर सकता, ना बता सकता है, ना कुछ बोल सकता है बदले में किसी को, उसको इतनी तकलीफ देते हैं सिर्फ अपने काम के लिए। ओके अच्छा जी चलें जी, मैं इतने सारे कमेंट्स कैसे पढ़ूंगी। रुबीना बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा रुचि करी मंडे को कॉल मिली तो 10 मिनट्स लूंगी मैं क्योंकि आज कॉल मिली। और मोहम्मद शहजाद कह रहे हैं कि तप रहा हूँ बुखार में, एक एक जोड़ दर्द कर रहा है, चले भाई ख्याल रखें अपना। और साथ साथ मोहम्मद शहजाद आ रहे कहते हैं आज 2 दिन आपसे बात होगी इंशाल्लाह, 2 दिन बाद, अच्छा 2 दिन बाद, हाँ जी इंशाल्लाह। चलें जी मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे आप कल। आप तमाम लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, जगह दिली बहुत शुक्रिया। और साथ साथ शहजाद कह रहे हैं अरे आप भी ये गलती मत करना कि बिल्ला ना कुछ बोल नहीं सकते। अरे बिल्ले की बात नहीं, मैंने बिल्ले बोल नहीं सकते तो काट तो सकते ना, पता है भाई हमें पता है इतना। मुशर्रफ भाई कह रहे हैं आपसे आपका शो मिस नहीं, क्या क्या लिखा था कमेंट कहाँ गया, मिस नहीं करूंगा, बहुत अच्छा शो है आपका और सुपर, और आपकी आवाज तो बहुत ही प्यारी है। चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुशर्रफ अली मेरे भाई, जज़ाकअल्लाह। खुश रहिए और सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए शो हमारा। सभी दे दीजिए मुझे इजाजत, माजरत भी दे दीजिए साथ साथ, अगर कोई मेरी बात बुरी लगी तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम मंडे को। और माजरत इसलिए, बहुत सारी बातें होती हैं और हम हंसी मजाक करते हैं, कोई बात सीरियस भी हो जाती है, सीरियस बात भी कह देते हैं और मैं जवाब भी देती हूँ उस बात पर, तो हो सकता है लोगों को मेरी बात बुरी भी लग जाती है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मकसद कभी मेरा ऐसा होता नहीं है कि मैं लोगों का दिल दुखाऊं, दिल आजारी करूं। सो मकसद सिर्फ यही है कि खुशियां बांटें, खुश रहें आप भी, हम भी, सब लोग खुश रहें, क्योंकि ये जो 2 घंटे हैं अगर हम इसमें आपस में खुशियां बांट लेते हैं, मोहब्बतें बांट लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल जो टाइम है, आज जिस तरह की सिचुएशन है, हर कोई डिप्रेशन का शिकार है, स्ट्रेसफुल है, यू नो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, स्ट्रेस्ड है, यू नो या तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि इतनी महंगाई है, अब मैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, जॉब नहीं है, यू नो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। तो सिर्फ ये जो 2 घंटे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम इस 2 घंटे में आपको तमाम चीजें भुला दें और आप खुश हो जाएं और आप मुस्कुराएं, आपको थोड़ी सी खुशी तो मिले हमारी वजह से। और अगर तो ऐसा हो जाता है तो इसमें मेरी कामयाबी है, अपनी कामयाबी मैं इसी में समझती हूँ कि लोग मेरी वजह से खुश हो जाते हैं, अपनी टेंशन भूल जाते हैं, परेशानियां भूल जाते हैं, बात सिर्फ इतनी सी। तो आप तमाम लोग मुझे बहुत अजीज हैं, आप तमाम लोग मेरी, ऑफकोर्स यू आर माई एक्सटेंडेड फैमिली हियर, ZUFM की फैमिली का हिस्सा आप तमाम लोग, आप तमाम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कुछ समझाती हूँ, कुछ कह देती हूँ तो बुरा मत माना करें। तो दिल से माजरत, अगर फिर भी कोई बात बुरी लगी हो, दिल आजारी हुई हो, गिरांग गुजरी हो,
इंशाल्लाह मिलेंगे अब मंडे को। अपने और अपने प्यार को रखिएगा बहुत 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 ज्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं मगफिरत जरूर कीजिएगा, और मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में यार। फरहाना इस्माइली साइनिंग ऑफ, मिस मी हां फिया मानेला।